होम शेफ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करें। मजेदार रेसिपी के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू होम शेफ चैनल। आज हम बना रहे हैं मछली का सालन। ये मछली का सालन बहुत से व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे बना रहे। मछली का सालन बनाने के लिए हमें चाहिए 8 से 10 मच्छी के पीस, 3 टमाटर, लाल मिर्ची पाउडर 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, जीरा पाउडर 1.5 टी स्पून, हल्दी पाउडर आधी टी स्पून, 8 से 10 कली लहसुन की, पानी जरूरत के अनुसार, करी पत्ते 8 से 9, हरा धनिया जरूरत के अनुसार, तेल 3 टेबल स्पून, आमचूर के छोटे 3 पीस। सबसे पहले हम मिक्सर की जार में कटे टमाटर डालेंगे, लहसुन डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, मिर्ची पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, जरूरत के अनुसार पानी डालेंगे, मसाला पीस लेंगे। यह हमारा मसाला पीस कर तैयार हो गया। अब हम तेल गरम करेंगे, उसमें करी पत्ते डालेंगे, पिसा हुआ मसाला डालेंगे, जरूरत के अनुसार पानी डालेंगे, पूरा मसाला मिक्स करेंगे। जरूरत के अनुसार नमक डालेंगे और मच्छी के सालन को अच्छे से पका लेंगे। ये सालन अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें मच्छी के पीस डालेंगे। हमने करकरे की मच्छी ली है, आप जो चाहिए वो मच्छी ले सकते हैं। मच्छी को अच्छे से साफ करके धो के लिए मच्छी के पीस डालने के बाद 10 मिनट पकाएंगे। सालन में थोड़ी सी खटास के लिए आम छोटे पीस डाल रहे, को आमचूर भी बोलते। ये मच्छी का सालन अभी पक चुका है। उसमें 2 कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और मच्छी के सालन को अच्छे से पका लेंगे। मच्छी का सालन बनकर तैयार हो गया। इसे सर्व करेंगे। आप लोगों को यह मच्छी के सालन की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना न भूलें।